जिला गिरिडीह प्रखंड जमुआ के नौडीहा गांव में पशु चिकित्सालय होने पर भी यह हमेशा बंद रहते और यहां पे कोई डॉक्टर नहीं आती है। इसके कारण यहां के ग्रामीणों के पशुओं को बहुत तरह के हानियों का सामना करना पड़ता है, खासकर किसानों को। इससे उन्हें बहुत नुकसान होते हैं और खासकर बरसातों के दिन में बहुत सारे पशु बीमारी होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। लिखिए तो बोलिए ना, 15-16 को है, सब मर रहा है बीमारी से। सुअर मर गया 19 को, हमको कोई इलाज नहीं करता है डॉक्टर, जो कोई देखभाल करता है यहाँ प्राइवेट से इलाज करते हैं, वो भी नहीं ठीक होता है, मर गया सब। बकरी छगरी जो भी है वो भी मर रहा है, क्या करें हम लोग। डॉक्टर यहाँ है ही नहीं है, नहीं भी करता कभी यहाँ। अगर कहने दिए जाते हैं कि यहाँ जो दाखिल देखभाल रहा है उसकी ठा देख कर लिख के दे देता है कि जाओ दवा खरीद के ले आओ, वही दवा हम लोग लाते हैं खरीद के, आदमी डॉक्टर प्राइवेट से काम करवाते हैं। आपके यहाँ कौन कौन से दवाएं उपलब्ध है? दवा में ग्रामीण पाउडर है, कॉल मिल्क लिक्विड है पिलाने वाला फिलहाल है, HS वैक्सीन है, PPR वैक्सीन है, BQ वैक्सीन है। गाय बैल मतलब ककर तबीयत खराब हो जाए जब बुलावे तो कोई भी डॉक्टर मतलब यहाँ पता ही ना रही है, अगर प्राइवेट से सब दवा लेकर के हम गाय बरती खिलावे। लगभग यहाँ 200 घरों में पशु हैं और उन्हें बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि यहाँ के पशु चिकित्सालय खुले और यहाँ पे डॉक्टर दी जाए, जिससे यहाँ के पशुओं को अच्छी तरह से इलाज हो सके और वह स्वस्थ रह सके। मैं वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से अपील करती हूँ कि जिला पशु चिकित्सालय को फ़ोन कर दबाव दें 0-65-32-22-10-78। मैं बीना भारती, जिला गिरिडीह।